चल रहा है। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के जस्टिस बीजू कोसे पाटिल जी है। हम उनसे पूछेंगे अभी कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर भारतीय संविधान जलाया तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि संविधान जलाने वाले दो प्रकार के लोग हैं, जिन्होंने 70 साल में संविधान को हाथ भी नहीं लगाया, उसकी अमलबजानी भी न की, ऐसा एक वर्ग है और उसी में सभी पार्टी के ब्राह्मणवादी पार्टियों के लोग हैं। लेकिन आजकल ये मनुवादियों का जो दंगा करने का उनको लाइसेंस मिला है, इसके तहत उन्होंने जंतर मंतर पर संविधान जलाया। अभी देखो, संविधान जलाने की जगह क्या है? जहां हजारों पुलिस है वो वहां से भाग जा ही नहीं सकते यदि गवर्नमेंट चाहती है। और संविधान जलाना तो देशद्रोह है। तो मैं कल भी कहा कि हमारे संविधान के दो शत्रु है। एक को हम समझते हैं कि वो डेमोक्रेसी से पावर में बैठे हैं, लेकिन वो भी हमारे शत्रु है। एक भी पार्टी ने बाबा साहब के शोषण मुक्त समाज निर्मिति का संविधान का ध्येय उसके अमल बजानी पर सोचा ही नहीं। बाबा साहब की इच्छा क्या थी, संविधान की इच्छा क्या है? यदि हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम सामाजिक, आर्थिक और राजकीय विषमता से देश को छुड़ाना चाहते हैं उसकी। और यदि ये करना है तो हमें सामाजिक विषमता से लड़ना है, आर्थिक विषमता से लड़ना है, राजकीय विषमता से लड़ना है। तो क्या किया इन लोगों ने? समाजवाद का नाम लिया, कैपिटलिज्म का अमल किया, आर्थिक शोषण विषमता के खिलाफ नाम लिया, पूंजीवादों को बढ़ावा दिया, सामाजिक विषमता निपटाने की बात की, आज तो मनुवाद 100% जोर से हमारे सर पर बिठा हुआ है, और प्रजातंत्र या लोकशाही का जिक्र किया लेकिन घराणेशाही का अमल। तो इसीलिए ये संविधान जो जलाया ये सरकार पुरस्कृत संविधान जलाना है। यदि हम गोळवलकर, टिळक, सावरकर पढ़ेंगे तो उन्होंने संविधान का विरोध ही किया था और आखिर तक किया संविधान को विरोध किया, राष्ट्रध्वज को विरोध किया, अशोक चक्र को विरोध किया। वो तीन रंग बोले वो अशुभ है, क्योंकि वो चौथा रंग जो अशोक चक्र है वो मानते नहीं। तो इनकी एक खासियत है, आज जो कौम सत्ता पर है, मैं समझता हूं कि स्वतंत्र आंदोलन में शामिल न होना, हम भी शामिल नहीं हुए, बच्चे थे, हमारे पिता नहीं हुए बिकॉज वो मजदूर थे, उनको मालूम नहीं था। लेकिन संविधान में शामिल न होते हुए स्वतंत्र आंदोलन में शामिल न होते हुए उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन को विरोध किया। तो इसलिए वो जलाने वाली जो शक्ति है, वो जलाने वाली शक्ति को हमें पहचानना होगा और उसके खिलाफ हम सब आर्यतर ने संगठित होकर काम करना होगा। अभी जो सनातन अभी जो ये संविधान जलाया है, अब जस्टिस है, तो इसके बारे में क्या हो सकता है? मैंने कहा वो तो देशद्रोह है, और देशद्रोह का प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि सत्ता पर मनुवादी है और जलाने वाले मनुवादी हैं। और हमने अभी देखा बाबरी मस्जिद से, इस देश में जो भी मनुवादी कितना भी गंभीर गुनाह करता है तो भी उसको छुड़वाने का इंतजाम होता है। कल भी बॉम्ब मिले ना, तो वो बॉम्ब मिलने के बाद बावजूद बिल्कुल ऑफिसर की बदली की। मैंने पहले दिन लिखा था कि ये कहेंगे कि बॉम्ब नहीं थे, ये नारियल थे, तो इसके लिए इंतजाम हो गए, तो ऑफिसर की बदली की है। वैसे ही संविधान जलाने वाले को तुरंत अरेस्ट करके उनके ऊपर देशद्रोह का खटला भरना चाहिए था, वो हुआ नहीं और होने वाला नहीं है। अभी बोलते मिलते नहीं, वीडियो में लोग दिखते हैं तो भी ये पकड़ते नहीं। लिंचिंग हो, घर वापसी हो, लव जिहाद हो, जो हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आरोग्य से संबंधित विषय नहीं है, उनकी तरफ बहकाने के, भावनाओं के साथ खेलने का
ये जो खेल है ये खेल आर्यतर जब समझेंगे तब इनका दुकान बंद हो जाएगा। सर अभी ये जो घटना घटी है तो आप बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे? वही बोल रहा हूँ मैं कि बहुजन समाज की डेफिनेशन आप सब लोगों ने उसकी गंदी कर दी है, इसलिए मैं दो ही समाज की आजकल जिक्र करता हूँ, आर्य और आर्यतर। तो आर्यतरों को हजारों सालों से जो शोषण सहना पड़ रहा है, जो शोषण उनका होता है, उसके खिलाफ सब हमारे निजी छोटे मोटे जो डिफरेंसेस है वो छोड़ के सब आर्यतर इकट्ठा आना चाहिए। आर्य कितने हैं? 1.5%। सो यदि 98.5% लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो ऐसा ही होने वाला है। तो इसलिए हम सबको संगठित होना है और ये मनुवाद के खिलाफ लड़ना है।